अस्सलाम वालेकुम जी। फंडामेंटल ऑफ फिजिक्स सैलिडे रेजनिक वाल्कर का 10th एडिशन है, चैप्टर 18 टेम्परेचर हीट एंड द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स प्रॉब्लम 18 है। वो कहता है 20 सेल्सियस के ऊपर एक रॉड की लंबाई 20.05 स्टील रूलर पे, यानी वो कहता है बोथ को प्लेस किया गया ओवन में 270 सेल्सियस पे। रॉड अब मेजर किया जाता है 20.11 सेंटीमीटर पे सेम रूलर पे। वो कहता है कोफिशियंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन मटेरियल का बताओ जिसका रॉड बना हुआ है। अब हम जानते हैं एल इज इक्वल टू एल अल्फा डेल्टा एस। अब जो हमारे पास बेसिकली स्टील रूलर है, तो स्टील के लिए अल्फा की वैल्यू निकाल लेंगे, स्टील के लिए लेंथ निकाल लेंगे। अब टेम्परेचर डिफरेंस भी हमें पता है कि 270 से शुरू में 20 था, तो ये 0.055 सेंटीमीटर आ जाएगी। लेंथ की चेंज देखनी हो तो हमें फाइनल भी पता है, इनिशियल भी पता है, फाइनल भी पता है, और अजाफा इतने का हुआ उसमें टेम्परेचर के बढ़ने से, तो टोटल इतना आ जाएगा कि 0.115 सेंटीमीटर। अब मटेरियल कौन सा है तो अल्फा लिख लेते हैं, डेल्टा एल एल ओवर डेल्टा टी। हमें टोटल चेंज इन लेंथ पता है, ओरिजिनल लेंथ पता है, टेम्परेचर डिफरेंस पता है, तो 23.10 - 6 आ जाएगा। तो अब आपके पास जनाब ये कौन सा मटीरियल होगा, एलुमिनियम होगा आपके पास। तो ये जनाब हमारे पास सोल्यूशन है। अगर आपको इस पर कोई बात पूछनी हो, डाउट हो, तो नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही, बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट देखेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।